हेलो गाइस, वेलकम टू ज़ुकोर गेम्स। मैं हूँ ज़ुकोर और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है यहाँ पर। तो मतलब आज के वीडियो में क्या करेंगे गाइस, मैंने पबजी पीसी दो तीन बार और ट्राई किया जब लास्ट टाइम खेला था। भाई बहुत हैकर मिलते हैं उसके अंदर। मतलब मेरा CS:GO छोड़ने का रीज़न यही था एक्चुअली। CS:GO जब पेड था ना तो एक्चुअली थोड़ा बहुत ठीक था, मतलब हैकर्स थे उसमें वो टाइम पे भी, बट तीन चार मैच में एक बार मिलता था। जब फ्री हो गया ना, पब्लिक एकदम बिंदास हो गई। मतलब उनको पता है नया अकाउंट बना लेंगे यार, क्या क्या फ़र्क पड़ता है हैक करने से। हर मैच में हैकर, मतलब हैकर वर्सेस हैकर ऐसा हो गया। हम लोग की टीम है हैकर तो हम लोग जीत जाएंगे, अगर हैकर नहीं हम लोग की टीम में तो हार जाएंगे, ये वाली बात हो गई है भाई। और चलो लो रैंक पे भी फिर भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब आप हाई रैंक पहुँचते हो ना तो हो तो भयंकर लोग मिलते हैं भाई। और सेम हालत पबजी PC की है, बहुत हैकर मिलते हैं यार। मतलब कितने लोग को रिपोर्ट करेगा कोई यार, अंतर्यामी लोग भरे हुए हैं मतलब आर पार। एनीवेज बैक टू द नॉर्मल लाइफ, पबजी मोबाइल की बात करेंगे आज हम लोग। और पबजी मोबाइल की न्यूज़ भैया मैं आपको दिखाता हूँ, मैं गूगल पर डालता हूँ ना, मैं आपके सामने करता हूँ। देखो मैंने ओपन किया गूगल बाबा, गूगल बाबा पर मैंने डाला पबजी मोबाइल इंडिया न्यूज़। तो देखो तीन बैनर दिख रहे हैं ना, एक तो जी न्यूज़ का, इनसाइड स्पोर्ट का, India.com, इसके अलावा स्पोर्ट्स कीड़ा वगैरह सब नीचे चले गए हैं भाई। हर चार पाँच घंटे में एक अपडेट इन लोग डालते हैं और सेम चीज़ को घुमाते रहते हैं। मतलब कुछ तरीका ही नहीं है यार। मतलब क्या, मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। ये लोग एड़ा बना के पेड़ा खा रहे हैं यार। क्रॉफ्टन ने अब तक कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दिया है। हाँ, उसने कंपनी रजिस्टर करवाई है इंडिया में, ऑफिस वगैरह भी ले लिया है, सेटअप वगैरह भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब उनका पता नहीं, फाइनल डिस्कशन वगैरह कुछ तो बाकी है जो अपनी इंडिया की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो IT डिपार्टमेंट का जो सेक्टर है, क्या बोलते हैं उसको यार, पता नहीं, इंटरनेट वगैरह का कुछ तो है, कुछ तो है ऐसा, मतलब आड़े तेड़ा नाम का कुछ तो है। उन लोग से इन लोग का डिस्कशन चालू है और लॉन्च डेट वगैरह पर डिस्कशन होने वाला है। बट क्रॉफ्टन ने अभी तक कुछ भी अपने एंड से डाला, यहाँ तक कि पबजी की जो ऑफिशियल साइट है इंडिया वाली, कुट्टे गली रे, PUBGmobile.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है क्रॉफ्टन की, ठीक है, इंडिया वाले, इसमें भी उन्होंने कुछ अपडेट नहीं दिया है। जैसा उन्होंने बनाया था दिवाली के टाइम पर लॉन्च किया था, वैसा का वैसा ही है। उन्होंने सिर्फ वेबसाइट लॉन्च की थी दिवाली पर, बस उसके बाद से वो लोग गायब हो गए। तो मैं आपसे यही, मतलब सजेशन आप लोग को यही देता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग यही सोचो, वो आपका खुद का डिसीजन है, यू गाइज आर मैच्योर। सजेशन ये है कि भैया यहाँ वहाँ की तुक्के वाली बातों पे ना भरोसा मत करो, अभी तक कहीं से भी कोई भी पुख्ता खबर नहीं है। मैं आप लोग को जहाँ तक हो सके जो सच होगा वही बताऊँगा, भले अच्छा लगे ख़राब लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो है वो है यार, सीधी सी बात है। सच भले ही थोड़ा सा कड़वा होता है बट उसकी लाइफ जो होती है ना वो लाइफ टाइम की होती है, लेकिन झूठ भले ही कितना ही मीठा क्यों ना हो उसकी जो उम्र होती है ना वो बहुत छोटी होती है, वो कभी ना कभी जाकर टपक करके टूटता ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं पबजी मोबाइल और मैं ट्राई करूँगा गेम लूप। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं अपना टच VPN ऑन कर लूँ, क्योंकि मुझे अपडेट चेक करनी है, बहुत टाइम से मैंने चेक नहीं किया। बहुत ही ज़्यादा मशरूफ हूँ काम को लेके, ऑफिस के वर्क को लेके, और मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, आप लोग से माफ़ी चाहता हूँ। कोशिश तो कर रहा हूँ यार, अभी क्या करूँ मैं, अभी मैंने ये चालू कर दिया, ठीक है, मैंने अपना टच VPN ऑन कर दिया गाइज, स्पेन से ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो गया है। अब मैं गेम लूप 7.1 बीटा स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसकी अपडेट चेक करने वाला हूँ अभी, ठीक है, चेकिंग फॉर अपडेट आ रहा है, ओके। अब देखो इसमें अपडेट आई हुई है और LOL मोबाइल बैकग्राउंड एनिमेशन, LOL मतलब लीग ऑफ लेजेंड इन्होंने ऐड किया है मेरे ख्याल से। फिक्स द इश्यू ऑफ LOL मोबाइल स्टक, ओके, कुछ तो इश्यूज वगैरह फिक्स किए हैं, लेकिन दूसरे गेम को लेके पबजी को लेके इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। एनीवेज अपडेट कर लो यार, आप लोग भी जितना ज़्यादा अप टू डेट रहेंगे ना उतना अच्छा है। और आप लोग ने मेरा वो कम्युनिटी पोस्ट तो चेक किया ही होगा जिसमें मैंने बताया था कि भैया ये पबजी चाइना और पबजी ग्लोबल के बीच में ठस्सा ना एकदम भयंकर वाली, मतलब एक ही कंपनी की चीज़ है यार, फिर भी आपस में इतना मेल जोल नहीं है उन लोग के बीच में। मतलब ग्लोबल वाले बोलते हैं कि चाइना वाले यूज़ करोगे ना आप लोग तो बैन हो जाओगे, हम लोग को नहीं बताया। अरे बैन करने वाले वो कौन होते हैं यार,
देखो एक एक बात तो सिंपल है, टेंसेंट टेंसेंट के पास राइट्स है पबजी मोबाइल की, एशिया में वही चला रहा है फिलहाल तो, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी की आजू बाजू की कंपनी है वहाँ पर भी टेंसेंट का ही कब्जा है। कुछ कुछ कंट्रीज़ को स्टैंड अलोन दिया हुआ है, जैसे कि साउथ कोरिया और वियतनाम वगैरह, इनको अलग अलग दिया हुआ है क्योंकि वो उनकी चाइना से जमती नहीं है, सीधी सी बात है। वैसे भी अपन भी वही कैटेगरी में आने वाले हैं, लेकिन बाकी सब जगह तो इसके ही चलता है ना। तो टेंसेंट का ही पबजी है और टेंसेंट का ही गेम लूप है, दोनों गेम लूप टेंसेंट के है, भले वो चाइना वाला हो या ग्लोबल वाला हो। तो ग्लोबल वाला बोलता कि चाइना वाला यूज़ करेंगे ना तो बैन पड़ जाएगा आप लोगों को, ऐसा क्यों? दोनों सेम प्लेटफॉर्म है यार, अपडेट्स अप एंड डाउन है। और ग्लोबल वाला क्या बोलता पता है क्या? मतलब पब्लिक ने कहा है कि चाइना वाला बेटर है, इसके लिए हम लोग चाइना वाला यूज़ कर रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, हम लोग अपने अपने डेवलपर्स को बोल चुके हैं और वो लोग इसको अपडेट करके। अरे घंटा, दोनों डेवलपर सेम है, क्या बकवास कर रहे हैं यार ये लोग? मतलब कहाँ से है, कौन से झाड़ पे बैठ के लोग ऑपरेट कर रहे हैं पता नहीं। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरा रखो कमेंट के अंदर, क्या बोलना चाहते हो आप? पबजी पबजी को छोड़ो साइड में, गेम लूप ग्लोबल और गेम लूप और टीजीबी टेंशन गेमिंग बड़ी चाइना, मैं कंफ्यूज हूँ। गेम लूप ग्लोबल, टीजीबी चाइना, ये दोनों सेम ही चिड़िया है, अलग अलग आदमी के हाथ में है या एक ही आदमी के हाथ में, बताओ यार, कमेंट करो मुझे। मुझे पता नहीं है, मतलब मैं हवा में नहीं छोड़ सकता ना कुछ भी यार, बांस मारेगी। कमेंट करो गाइस। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, वीडियो को तो लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड क्या और क्या बोलते हैं उसको, बेल आइकन, हाँ बेल आइकन को प्रेस कर देना यार, ये बहुत ज़रूरी है। अपडेट हो गया गाइस मेरा, ठीक है। तो इसको मैं अपडेट होने के बाद में बंद कर देता हूँ यहाँ से, और इसको यहाँ से भी बंद कर देता हूँ, और बंद करने के बाद में मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, डिसकनेक्ट, ठीक है। इसको भी बंद कर दिया मैंने, और सॉरी मैंने यहाँ से भी इसको बंद कर दिया, और मैं अब फिर से चालू करने वाला हूँ गेम लूप। तो गेम लूप 7.1 की अपडेट आई है आज, अब वो पता नहीं कब आई है, पर मैं तो आज दे रहा हूँ 9 दिसंबर को मैं ये अपडेट चेक कर रहा हूँ, ठीक है। 10 दिसंबर को ये वीडियो आने वाला है। आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया ऑफिस से, तो सोचा शाम के टाइम पे वीडियो बना लेता हूँ, रात में टाइम नहीं मिलता आजकल, तो चलो शुरू करते हैं फिर। ओके गाइस, तो अपना पबजी मोबाइल स्टार्ट हो गया है विदाउट एनी प्रॉब्लम, अपडेट एकदम से, मतलब जो भी अपडेट है मैंने अभी भी आप लोग के सामने किया वो काम कर रही है। मतलब क्या, मेरा तो पहले भी चल रहा था, आप लोग का चल रहा कि नहीं चल रहा वो बताओ यार, कमेंट करो, ठीक है। तो फटाफट एक गेम प्ले टेस्ट करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं, तो अरेना हो जाए एक मस्त वाला, क्या बोलते हैं पब्लिक, अरेना 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 अरेना। अच्छा मिशन क्या है आज का, मिशन क्या है, मिशन क्या है, मिशन क्या है भाई, मिशन मिशन तो करना बहुत ज़रूरी है, विन वन टाइम इन अरिना, अरे क्या बात, मिशन भी बोलता अरिना जीतो बोलता, चलो जीत लेते हैं। तो इसको बड़ा कर दूं, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, अरिना लगाया हुआ है ऑलरेडी, और जो गन मिली मैं चेक भी नहीं कर रहा हूँ कौन सी गन है, यूज़ ही होगी जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं स्टार्ट करता हूँ, चलो। ओके भैया, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो, उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, बहुत ज़रूरी है। ओके, तो लग गया भाई साहब ने 50-50, 70-70-70 के दो है, छीलने वाले अपने को, अपनी टीम में एक 70 का है, बाकी 60 और हम लोग 2-40, इन शॉर्ट हम लोग पिलने वाले हैं, देखते हैं। 70 वालों को छीलने में बहुत मज़ा आती है भाई, पबजी पीसी और पबजी मोबाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबसे बड़ा फ़र्क जो है ना वो है कॉन्ट्रास्ट गेम का। हाँ मतलब इस गेम का जो लुक एंड फील है ना वो एकदम आंख के ऊपर है, उसके अंदर इतना इतना सा दिखता है यार, मतलब कहाँ तुम एम लगाओगे पता नहीं। ओके टीम मैच लेट्स गो, सब इंडियन लॉबी के अंदर भाई, क्या बात है, एशिया सर्वर खेलने का मजे कुछ हो रहा है। एक बंदा यहाँ पर, नहीं दो दो आगे सामने, क्या बकवास है। चलो चलो अपनी टीम जीत रही है लेकिन टेंशन नहीं है। और अरे भाई ये शॉटगन वाला बंदा अपनी टीम में, ये शॉटगन वाले बड़े ही कातिल होते हैं यार, मैंने FPS वगैरह ऑन नहीं किया, बाहर में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को आजकल। अरे चिपका दी आंटी, बात कर रहा था मैं, खाता भी नहीं खोला भाई। अच्छा अपने को तो वैसे भी जीतने से मतलब है और बराबर चल रहा है गाइस, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, फर्स्ट मैच है वो भी। ओहो एक मार दिया मैंने,
अरे ये शॉटगन वाले बड़े तगड़े होते हैं यार, बहुत जोर से मारते हैं, मतलब कहाँ कहाँ मारते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। एक मार दिया, प्लीज मुझे 10 मारने दो यार। 10 का मेरा मिशन होता है हमेशा, मिशन मतलब मेरा पर्सनल मिशन मिशन होता है। किलिंग स्प्री फॉर द ब्लू टीम। अरे मेरा मारा हुआ था वो शॉटगन वाले भैया। चलो दो मार दिए मैंने। अरे बम फोड़ दिया। 34 हो गए भाई, कम ऑन, 6 मोर। ओके 5 मार दिए मैंने। देखो 10 मारना होता है मुझे, बट अगर अपनी टीम अच्छी खेल रही है, पब्लिक छील रही है, तो फिर जरूरी नहीं है 10 मारना यार, कोई और भी तो हीरो हो सकता है ना। ये देखो मैं एक मार रहा हूँ, एक मेरे को छील दे रहा है। वैसे 6 मार लिए मैंने, अच्छी बात तो ये है भाई। अपना जो सैन मॉक करके शॉटगन वाला बंदा, देखो सेना मॉक, ये देखो तेवर तो देखो बंदे के, क्या बात है। तो फिर ये बंदा 18 मार के रखा है, तो दिखती बात अपने को चांस नहीं दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है। अपन तो वैसे भी टेस्ट कर रहे थे, अपना मिशन हो गया कम्प्लीट, विन अरिना, एक मिशन करना बात जरूरी था, और इसके साथ में अपना गेम प्ले भी हो गया, इसके साथ में अपनी अपडेट भी चेक हो गई, आप लोग को न्यूज़ भी दे दी मैंने। अरे और क्या चाहिए आप लोग को, रोज़ मुलाकात हो जाए किसी एक चीज़ के ज़रिए, इतना काफ़ी है। ये गालिब ने नहीं, मैंने कहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है गाइस, ठीक है। तो आप लोग भी अपना पबजी नहीं, मतलब गेम लूप को अपडेट करो, और बताओ किसी को कुछ इश्यू आ रहा है तो हम लोग फिर सॉर्ट आउट करेंगे उसको। बाकी मैं फ़िलहाल 7.1 ही यूज़ कर रहा हूँ, TGB वगैरह डाला नहीं मैंने। TGB का मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, बैनमैन का कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों चीज़ें सेम ही है यार। वो अपने आप को भला बोलता है, वो अपने आप को, TGB वाला कुछ बोलता नहीं, क्योंकि उसको इंग्लिश तो आती नहीं, वो तो चाइना में बोलता है, वैसे अपने को पल्ले पड़ने वाला है नहीं। बाकी जो ग्लोबल वाला है वो बोल रहा है कि वो वाला डालेंगे तो बैन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, दोनों सेम प्लेटफॉर्म है, दोनों सेम चीज़ है। TGB इज़ ऑलवेज 1 स्टेप अहेड एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल। आप लोग इस बात से अग्री हो या नहीं हो कमेंट करो। बाकी वीडियो कैसा लगे इसके बारे में भी लिखो, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम। अरे रुको, अब काम पे भी जाओ, क्या है ना कि अभी थोड़ी मतलब माहौल ठीक हो गए हैं, तो आप सब लोग धीरे धीरे स्टे सेफ स्टे होम, ठीक है। फॉर दोज हु आर द स्टूडेंट, बिकॉज द कॉलेज स्कूल स्टिल नॉट ओपन येट, बट द वर्क प्लेसेज आर ओपन एंड वी आर स्टिल, मतलब वी आर नॉट वी आर बट मैनी फ्रॉम अस स्टिल वर्किंग फ्रॉम द होम, देन यू कैन जस्ट कैरी ऑन वट एवर यू वॉन्ट टू डू, सो स्टे सेफ, इतना काफ़ी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, टेक केयर, बाय बाय।